वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं स्पाइस मनी डिस्ट्रीब्यूटर या सब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से आप स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे ताकि आपको कंप्लीट और सही सही जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन मिलेगा उस पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक जो है हमारा रिटेलर जो बनेगा वो व्हाट्सएप पे भेजा, उसको हम रिसाइज में कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले देखिए रिसाइज में जैसे व्हाट्सएप पे भेजा है तो इस पे हम स्क्रीनशॉट ले लिए पैन कार्ड का स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद देखिए इसका रिसाइज का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से रिसाइज हमको करना है, देखिए सही साइज में रहेगा तभी जाके अपलोड होता है। देखिए फिर यहाँ सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हमको दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो है इनका बैंक पासबुक, उसको भी हमको इसी तरीके से स्क्रीनशॉट हमको लेना है। आप दूसरे तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, हमको आसान होता है व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट ले लिए उसके बाद कटिंग का ऑप्शन आ जाता है, इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये साइज में आ गया। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक या कैंसल चेक कोई भेजता है तो कैंसल चेक को इसी तरीके से रिसाइज कर लेंगे। और ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल से ही आईडी बनाते हैं, तो मैं भी मोबाइल से ही बना के दिखा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, मोबाइल में ही गूगल क्रोम हम खोलेंगे। गूगल क्रोम को खोलने के बाद जो इसका वेबसाइट है स्पाइस मनी का, वो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं b2b spicemoney.com। ये डिस्ट्रीब्यूटर का वेबसाइट है। अब इसमें हम आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। देखिए आईडी पासवर्ड हम डाल दिए हैं, अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन देखिए हो रहा है। लॉगिन होने के बाद देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको खुलेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में थ्री लाइन है, इस थ्री लाइन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, मनी ट्रांसफ़र पे हम क्लिक करेंगे। देखिए मनी ट्रांसफ़र का यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, अगर आप सब डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहे हैं तो दो ऑप्शन मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहे हैं तो एक ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो दो ऑप्शन में, नीचे वाला मनी ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। एजेंट ऑनबोर्डिंग पर यहाँ क्लिक करेंगे। एजेंट ऑनबोर्डिंग पर क्लिक करने के बाद देखिए खुल रहा है। अब देखिए इस तरीके से खुल के आएगा एजेंट ऑनबोर्डिंग पर क्लिक करने के बाद। फिर यहाँ पे हमको थ्री लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ एजेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ न्यू एजेंट पर हम क्लिक करेंगे। न्यू एजेंट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रीब्यूटर से अगर लॉगिन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर किसी से भी लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का ही कोड दिखाता है। सब डिस्ट्रीब्यूटर को परेशान होने का ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि सब डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ही मैपिंग होगा अगर सब डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं तो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का ही आपको कोड और नाम दिखता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एजेंट टाइप सेलेक्ट करना है। एजेंट टाइप में देखिए यहाँ पर नॉर्मल ही रहने देना है। एंटिटी टाइप में सेलेक्ट करना है, यहाँ पर इंडिविजुअल कर देना है। यहाँ पे GST अगर आपको है तो डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ फिर नेम, एजेंट नेम डालना है एज पर पैन कार्ड। पैन कार्ड पे जो एजेंट का नाम है वही यहाँ पे डालना है, जिसको आप बना रहे हैं जिसका आईडी उसका नाम यहाँ डालना है पैन कार्ड पे जो है। देखिए एजेंट का नाम डाल दिया। अब एजेंट के नाम के बाद यहाँ एजेंट का जो फादर्स नेम है वो डालना है हमको। एजेंट का फादर्स नेम डाल दिए। उसके बाद मांगता है मदर्स नेम। एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पर जितना भी स्टार आपको लगा दिख रहा है, स्टार दिख रहा है लगा हुआ, उसमें आपको भरना ज़रूरी होता है। तो स्टार यहाँ पे देखिए एजेंट नेम में भी है, मदर्स नेम में भी है और फादर्स नेम में भी है। अब मदर्स नेम भी नेसेसरी है डालना, इसीलिए तो मदर्स नेम अब यहाँ पे हम डाल देते हैं। देखिए मदर्स नेम डाल दिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ भी स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर दिए तो इसका जैसे 5/1/82 है डेट ऑफ बर्थ एजेंट का, तो यहाँ हम 82 पहले ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए 82 हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 1 मीन्स जनवरी और 5
5182 आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ मेल है या फीमेल है वो सेलेक्ट करना है, तो ये मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड में यहाँ सब में नो ही देना है। अब है कि मोबाइल नंबर डालना है, हम मोबाइल नंबर हम कॉपी किए हुए हैं या देखिए मोबाइल हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डाल दिए उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आएगा अगर अवेलेबल होगा वो नंबर, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ दिखाएगा मोबाइल नंबर इज अवेलेबल यू कैन प्रोसीड, ये सही है ये होना चाहिए। और अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ रेड आ जाएगा कि रजिस्टर्ड आपका है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। अब है हमको उसके नीचे ईमेल एड्रेस डालना है, देखिए ईमेल एड्रेस हम डाल दिए। ईमेल एड्रेस पे भी इसी तरीके से वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, यहाँ भी देखा रहा है ईमेल आईडी अवेलेबल यू कैन प्रोसीड, यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करना। ध्यान देना है कि वेरीफाई पर क्लिक करना दोनों में मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस में ज़रूरी है। अब देखिए हमने बताया था जिसमें स्टार लगा हुआ उसी को भरना है, तो अब पैन कार्ड में भी स्टार लगा हुआ है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ डालना ज़रूरी है। पैन कार्ड नंबर हम यहाँ डाल दिए हैं। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांग रहा है, अल्टरनेट नंबर, तो अल्टरनेट नंबर में आप देख रहे हैं कि स्टार लगा हुआ नहीं है तो ये देना ज़रूरी नहीं, हम नहीं देंगे। अब यहाँ पे हमको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो कैटेगरी में भी देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप वैसे इसको छोड़ सकते हैं। तो हम इसको जो है ना OBC सेलेक्ट कर लेते हैं। अब है कि मैरिटियल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड ये सेलेक्ट करना है, तो ये मैरिड है तो हम मैरिड सेलेक्ट कर लेंगे, अगर अनमैरिड रहेगा तो अनमैरिड सेलेक्ट करना है। अब है कि इंगेज्ड विथ अदर बैंक में इसमें नो कर देना है, कंट्री में इंडिया ही रहने देना है। बैंक इन्फॉर्मेशन जो रिटेलर सेटलमेंट अकाउंट डालना चाहता है इसमें ऐड करना चाह रहा है वो बैंक का हम डिटेल यहाँ डालेंगे। अब बैंक का नेम सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना है, जैसे इनका बैंक ऑफ इंडिया है तो हमको बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है, देखिए बैंक ऑफ इंडिया आ गया। अब अकाउंट टाइप यहाँ सेविंग है या करेंट है इनका ये सेलेक्ट करना है, तो इनका सेविंग अकाउंट है, सेविंग हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब अकाउंट नंबर यहाँ हम डालेंगे, अकाउंट नंबर हम डाल दिए हैं, उसके नीचे देखिए अब IFSC कोड है इसका जो है, IFSC कोड कस्टमर का जो है वो भी हम डाल देते हैं, देखिए IFSC कोड भी हम डाल दिए हैं। पेमेंट डेट मांग रहा है, तो पेमेंट डेट जिस दिन आप ID बना रहे हैं उसी दिन का डेट सेलेक्ट आपको करना है, तो हम यहाँ जो है 20 तारीख को बना रहे हैं तो हम 20 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब है पेमेंट मोड, पेमेंट मोड में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बैलेंस सेलेक्ट करना है आपको, उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट 0 देना है, पेमेंट डिटेल में भी 0 देना है, URN नंबर में कुछ नहीं देना है, सेल्स ऑफिसर इसको रहने देना है, डेट ऑफ फॉर्म अपलोडेड अपलोड डेट ऑफ फॉर्म अपलोड ये डेट भी आपको यही छोड़ देना जो है, और नॉमिनी डिटेल में देखिए स्टार लगा हुआ नहीं है ये भी हम नहीं भरेंगे। अब है कि यहाँ पे ऑप्शन है सर्विस इंटरेस्टेड, तो सर्विस में देना है APS DMT है तो यहाँ बोथ हम सेलेक्ट कर देंगे। डिवाइस में लैपटॉप और हैंड हेल्ड है तो हम हैंड हेल्ड पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी में लैंडलाइन मोबाइल VSAT है तो हम यहाँ मोबाइल रहने देंगे। अब एक्सपेक्टेड जो है बिजनेस, आप कितना बिजनेस कर सकते हैं एक महीने में वो आपको यहाँ देना है, तो यहाँ जैसे इसका है कि महीने का मोर देन 25 लाख तक कर लेता है तो यहाँ हम मोर देन 25 लाख दे देंगे। एनुअल टर्न ओवर है इसमें भी मोर देन 25 लाख हम दे देंगे। ये उसके बाद देखिए यहाँ पे नेटवर्थ मतलब आपका कैपिटल कितना है, कितना आपके पास कैश है बिजनेस को रन करने के लिए, तो यहाँ अप टू 25 लाख देना है, मतलब 25 लाख तक ही है, उससे नीचे उससे ज़्यादा नहीं है इनके पास, तो अप टू 25 लाख सेलेक्टर देना है इसमें। कब से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें है कि जब से आप बिजनेस कर रहे हैं वो यहाँ पे देना है, अभी प्रेजेंट बिजनेस जो आप कर रहे हैं कब से कर रहे हैं, तो जैसे इनका 2018 से है तो हम 2018 ईयर सेलेक्ट कर देते हैं। ऑपरेटिंग मंथ
इनका अगस्त महीने से अगस्त हम सेलेक्ट कर लेंगे, आप दूसरा भी दे सकते हैं जो इनका दूसरे का होगा। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड में इसमें ध्यान देना है कि यस नहीं करना है, गलती से भी इसमें नो ही रखना है। उसके बाद अब जो है यहाँ पे हमको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर दिए। अब आपको शॉप नेम यहाँ देना है, दुकान का जो नाम है, अगर दुकान का नाम कोई रखा हुआ नहीं है तो आप अपना नाम भी यहाँ दे सकते हैं। देखिए हम दुकान का नाम दे दिए, यहाँ पे आप रिटेलर का नाम भी दे सकते हैं अगर उनके दुकान का नाम उनको पता नहीं है तो, या दुकान का कोई नाम सोचेंगे बाद में रखे नहीं है तो। शॉप का एड्रेस देना है, शॉप का एड्रेस में भी देखिए स्टार लगा हुआ है, तो शॉप के एड्रेस में आपको जो है आधार कार्ड पे जो एड्रेस है सेम वैसे ही देना है। तो देखिए आधार कार्ड हम इनका दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए इनका आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। तो सन अप से स्टार्ट करना है, तो सन अप यहाँ हम दे देते हैं। देखिए एड्रेस हम पूरा यहाँ शॉप एड्रेस दे दिए हैं। अब यहाँ पे इनका पिन कोड हमको देना है, पिन कोड हम दे देते हैं। अब देखिए पिन कोड डालने के साथ ही इनका शॉप का स्टेट आ गया, स्टेट जो उनका है, और यहाँ पे शॉप डिस्ट्रिक्ट हमको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, शॉप सिटी जो है ऑटोमेटिक आ गया। और अब देखिए करंट ऑक्यूपेशन इसमें भी स्टार लगा हुआ, इसमें हम इस करंट ऑक्यूपेशन में सेल्फ एम्प्लॉयड कर देंगे सिलेक्ट, ओपन टाइम कुछ भी दे देंगे, जैसे इनका जो है 8 बजे सुबह हम खोल देते हैं तो 8 बजे सुबह दे देते हैं, और 8 बजे रात तक चलता है तो 8 PM तक देते हैं क्लोज का टाइम। वीकली ऑफ रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो ये वीकली ऑफ नहीं रखते हैं। अब परमानेंट एड्रेस सेम है इनका, तो हम परमानेंट एड्रेस सेम एज शॉप एड्रेस यहाँ जो है टिक लगा देते हैं। आगे अब फिर करेंट एड्रेस जो है ये भी सेम है, सेम कर दिए। अब है हमको एजुकेशनल, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 12th है, तो 12th हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कोर्स जो है, कोर्स में ये नन हमको करना है, अगर IIBF का एग्ज़ाम पास किया हुआ है तो सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो नन करना, वैसे नन ही करना है, नन कर दिए। इंस्टीट्यूट नेम में यहाँ कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद देखिए डेट ऑफ पासिंग यहाँ हमको सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ पासिंग जो है इनका 12th का वो हमको दे देना है। देखिए इसमें सबसे पहले हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, जैसे इनका 2002 में ये 12th पास किए थे, तो 2002 हम यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, 2002 दे दिए। अब मंथ जो है जुलाई, तो जुलाई हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए पहले ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, जुलाई कर लिए। अब यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है डेट, तो यहाँ हमको डेट सेलेक्ट करना है 30, तो 30 जुलाई आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद देखिए अब फोटो जो है कस्टमर का वो हमको अपलोड करना है, सेल्फी फ़ोटो हमको लेकर के भेजे थे रिटेलर, तब यहाँ पे हम अपलोड पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो पे यहाँ फाइल पे क्लिक कर देंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए देखिए ये रहा इनका फ़ोटो, फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फ़ोटो अब अपलोड हो रहा है। अपलोड होने में देखिए कुछ टाइम लग सकता है, 25-30 सेकेंड या 1 मिनट भी, तो उतना देर तक वेट कर लेना है। देखिए फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तो इस तरीके से टिक लगा हुआ आ जाएगा और जो है ना फाइल का नाम आ जाता है। अब है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमको यहाँ आधार सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड, आधार कार्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर भी देना है हमको, तो नंबर जो है ना आधार कार्ड का हम यहाँ पर, देखिए आधार कार्ड का जो नंबर है वो हम यहाँ पर दे दिए हैं इनका। अब अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड कौन सा करना है आधार कार्ड का हमको, यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में फ्रंट साइड का करना है अपलोड, तो फ्रंट साइड का जो हमारा आधार कार्ड का इमेज है उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो है हमको पैन कार्ड का इमेज यहाँ अपलोड करना है, बाय डिफ़ॉल्ट पैन कार्ड का नंबर हमारा आ चुका है यहाँ पर, पैन कार्ड का हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, तो पैन कार्ड यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे और पैन कार्ड का जो हमारा इमेज है वो यहाँ सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए पैन कार्ड भी अपलोड हो गया। अब एड्रेस, परमानेंट एड्रेस प्रूफ, परमानेंट एड्रेस प्रूफ में हमको यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे हमको आधार कार्ड का नंबर डालना है, तो हम यहाँ
कॉपी किए हुए हैं, पेस्ट कर दिया आधार कार्ड का नंबर यहाँ। अब आधार कार्ड का बैक साइड का यहाँ पे हमको अपलोड करना है परमानेंट एड्रेस प्रूफ में। आधार कार्ड का बैक साइड यहाँ हम अपलोड कर दे रहे हैं। देखिए आधार कार्ड का बैक साइड हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए इसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जब तक घूम रहा है तब तक अपलोड नहीं हुआ, इसमें 25-30 सेकेंड या एक मिनट तक लगता है। अब देखिए अपलोड हो चुका है तो यहाँ टिक लगा हुआ आ गया और फाइल का नाम आ गया। अब यहाँ पे देखिए बैंक कैंसिल चेक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि कैंसिल चेक या पासबुक दोनों में से कोई एक ही होगा रिटेलर के पास। तो अगर आपका रिटेलर कैंसिल चेक नहीं देके पासबुक दिया है तो भी यहाँ पे पासबुक का ही फ़ोटो अपलोड करना है कैंसिल चेक वाले ऑप्शन में। तो यहाँ हम अपलोड करेंगे, अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। अपलोड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ फाइल पे हम क्लिक कर दिए। फाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमको बैंक पासबुक का जो है वो हमको सिलेक्ट कर लेना है। इनका भी बैंक पासबुक ही हमको दिया है, कैंसिल चेक नहीं दिया, तो बैंक पासबुक ही हम यहाँ अपलोड करेंगे। देखिए अपलोड हो चुका है कैंसिल चेक वाले जगह बैंक पासबुक। अब एजेंट फॉर्म है, एजेंट फॉर्म में भी स्टार लगा हुआ ही भरना नेसेसरी है। तो यहाँ पे जिसमें स्टार लगा हुआ नहीं देख रहे हैं उसको भरना ज़रूरी नहीं है, उसको अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। तो एजेंट फॉर्म में स्टार लगा हुआ है तो एजेंट फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। इसमें जो है फॉर्म कोई हमारे पास नहीं होता है, इसमें भी हमको जो है ना बैंक पासबुक या कैंसिल चेक दोनों में से किसी एक को ही अपलोड कर देना है। देखिए कर दिए हम, बैंक पासबुक ही अपलोड कर रहे हैं। अब देखिए बैंक फॉर्म है, इसमें स्टार लगा हुआ नहीं, इसको छोड़ देंगे, बैंक पासबुक भी छोड़ देंगे। अब वीडियो डिक्लेरेशन, वीडियो डिक्लेरेशन हमारे पास जो है ना वीडियो बना के भेजा हुआ है रिटेलर, जिसमें उनको बोलना होता है नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और मैं स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी लेना चाहता हूँ, ये बोल के भेजता है और उसी वीडियो को यहाँ हमको अपलोड करना है। यहाँ पे हम अपलोड पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर वीडियो हम जो है उसको अपलोड कर देते हैं। वीडियो फाइल हमारा ये है, अपलोड कर दिया, अपलोड अब हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लेता है, 25-30 सेकंड या एक मिनट तक, जब तक ये घूम रहा है समझिए कि अपलोड नहीं हुआ है। तो वेट कर लीजिए थोड़ा देर, अपलोड हो जाएगा। देखिए वीडियो अब अपलोड हो गया, घूमना बंद हो गया, वीडियो अपलोड हो गया। तो अब देखिए वीडियो फाइल आ गया और टिक लगा हुआ आ गया, अभी अपलोड हो चुका है। अब इसको हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से मैसेज आएगा, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। इसका मतलब आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गया और रिटेलर का जब सब कुछ सही रहा तो उनको आईडी पासवर्ड विद इन 2-3 आवर्स आ जाएगा उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर से और सब डिस्ट्रीब्यूटर से, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स आप स्पाइस मनी का रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप आईडी ले सकते हैं रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर।